तरीके से हम बनाएंगे ये ब्रेकफास्ट के लिए, ये फेरी के लिए बहुत ही रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्राइड डिश के तौर पे, नहीं तो रोटी के साथ, चपाती के साथ, तंदूर के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बन के रेडी होती है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही झटपट बन के, बहुत ही मज़ेदार डिश बन के रेडी होती है। तो चलिए कि हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है, उसमें 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक स्लाइसेस में कट करके ऐड कर ली हूँ। अभी हमें जो प्याज है उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी में हम सारे इन्ग्रीडियंट्स भी ऐड करेंगे, तब तक हमारी प्याज चली जाती है। हमने पालक को भी धोकर अच्छे से स्ट्रेनर में ड्रेन होने, सारा पानी स्ट्रेन होने के लिए, ड्रेन होने के लिए रख दिए हैं ताकि वो अच्छे से पानी निकल जाए पालक से। तो हमारी 1 kg पालक है, यानी कि अगर बंचेस में देखेंगे तो 5 बंचेस पालक है। हम उसको अच्छा बारीक से कट कर लिए हैं, कट करके उसको वॉश करके रख दिए हैं। तो चलिए भी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसमें सारे इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगी इसमें 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हमारा मिर्ची, लाल मिर्च के पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसी में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून सब्जी मसाला और इसी में हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए कि यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। अभी हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारी फली हुई अच्छे से, हमने इसको 3-4 पानी में धोया है क्योंकि पालक में जो रेती मर कचरा जो भी मिट्टी वगैरह रहती सब निकल जाए, अच्छे से वॉश कर लिया है हमने। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। आप सभी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें इस तरह से और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हमारी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स में आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पे भी हमें फॉलो करें। प्लीज़ आप सब इंस्टा पे भी जाके हमें फॉलो करें, किचन एडवेंचर से ही वहाँ पे भी हमारा आईडी है। आप सबके दुआओं की, आप सबके ब्लेसिंग्स की, आप सबके मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत रहती। हम भी आप सबको अपने दुआओं में अपने ब्लेसिंग्स में हमेशा शामिल करते हैं। तो इसी तरह हमारी तरह ही आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन के रेडी होती है और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए जी आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हम इसको रखते हैं 5 मिनट्स के लिए पकने के लिए, ताकि ये इसका जितना भी पानी हो पालक से अच्छे से छूट जाए और पालक हमारी गल जाए। तो ये देखिए जी, ये हमारे पालक से सारा पानी छूट चुका है और हमारी पालक भी अच्छे से पक चुकी है। हमें ज़्यादा पालक को नहीं पकाना है, सिर्फ 40-45% पालक को हमें पकाना है। एक्चुअल तो हम ये पालक को हमेशा ऐसा मसाले वाली नहीं बनाते। कभी कभार हमारा दिल चाहा मसाले वाली बनाना तभी बनाते हैं, वरना नहीं। तो इसमें हम सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक ऐड करते हैं, प्याज भी ऐड नहीं करते। काली मिर्ची का पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको बस इस तरह से पका के इसमें हम अंडे ऐड करते हैं। अगर हमें कभी मसाले वाली पालक होना है तभी हम ये सारे मसाले इसमें ऐड करते हैं, जैसा कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, वेज मसाला जो सब्ज़ी मसाला होता है, वो इस तरह के सारे जो चीज़ें हैं हम मसाले वाला बनाना है तभी ऐड करते हैं, वरना नहीं। तो सिर्फ इसमें हम काली मिर्च और नमक ऐड करते हैं और अंडे ऐड करते हैं बस। वो भी बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चे भी वो बहुत शौक से खाते हैं। तो हम इसमें और कुछ भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे अंडे ऐड कर लिए हैं। बस इसी तरह अब हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारे अंडे पकने तक पकाएंगे, यानी कि 10-12 मिनट्स लगो या 8 मिनट्स लगो, जितना भी हमारा वक्त लगता है, हमें बस अंडों को पकाना है इसी तरह से। तो देखिए हमारी झटपट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के रेडी होने वाली अंडा पालक बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने ब्लेसिंग्स में अपने दुआओं में हमेशा हमें शामिल करें। हम भी आप सबको अपने ब्लेसिंग्स में अपने दुआओं में हमेशा शामिल करते हैं। तो चलिए जिसको ढककर हम कुक होने के लिए रख देते हैं। अगर आपको इससे भी सिंपल बनाना है तो बिल्कुल सिर्फ नमक और काली मिर्च में लिया बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बस इसमें ना प्याज ऐड करते हैं, ना ही दूसरे जो रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कुछ भी हम उसमें भी ऐड नहीं करते। वो भी हमारी बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप चाहें तो इसको साइड डिश यूज़ करें, रोटी के साथ तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए जी हम इसको ढककर कुक होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए हमारे पालक और अंडा और पालक बनने के बिल्कुल रेडी है। हमें अंडे को भी पूरा पकने नहीं देना है, 80% तक हमें अंडे को पकाना है। थोड़ा थोड़ा सा कच्चा भी रहा तो बहुत टेस्टी लगता है ये। तो हमारी डिश बिल्कुल रेडी टू सर्व है, आप सब ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम इंग्रीडियंट से बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है, रेडी हुई है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मसाले वाली नहीं चाहिए तो सिर्फ सिंपल भी बना सकते हैं आप। सिर्फ काली मिर्च और नमक में भी 2 टेबल स्पून ऑयल डालें, उसमें पालक डालें, काली मिर्च और नमक ऐड करें, थोड़ा सा कर लें और उसी में अंडे शामिल कर लें। या आपको इस तरह भी बनाना है तो इस तरह भी बना सकते हैं आप। तो चलिए जी दीजिए इजाज़त, हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप सब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।